कार्तिक आर्यन का पार्टी एंथम रिलीज हुआ। धमाकेदार डांस के साथ पिटबुल और दिलजीत दोसांझ का बवाल। भूल भुलैया 3 के मच अवेटेड टाइटल ट्रैक का इंतजार खत्म हो गया है। टी सीरीज और भूषण कुमार ने इंडिया के सिनेमा में सबसे आइकॉनिक म्यूजिकल कोलैबोरेशन को बनाकर हिस्ट्री रच दी है। मेकर्स ने हाल ही में मच अवेटेड भूल भुलैया 3 का टाइटल ट्रैक रिलीज किया, जिसमें इंडिया के पॉपुलर स्टार कार्तिक आर्यन है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ट्रैक चार्ट के साथ लोगों के दिलों पर भी राज करने वाला है। ये ट्रैक एक विजुअल ट्रीट है, जिसमें कार्तिक आर्यन अपने स्लीक, स्मूथ और कैची स्पूकी स्लाइड डांस मूव्स के साथ स्क्रीन पर छा रहे हैं। इस ट्रैक को खास बनाता है इंटरनेशनल स्टार पिटबुल का परफेक्ट रैप, जो हरे राम हरे कृष्णा मंत्र के साथ ब्लेंड कर रहे हैं। साथ ही वे पंजाबी सेंसेशन दिलजीत दोसांझ अपने अनोखे स्टाइल में इसे गाते हैं। इस गाने में मॉडर्न और इंटरनेशनल ट्विस्ट भी देखने को मिल जाएगा। भूषण कुमार ने इंडियन सिनेमा के लिए एक अनोखा कोलैबोरेशन किया है, और इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम भूल भुलैया 3 के लिए एक स्पेशल म्यूजिकल सहयोग को पेश करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। पिटबुल, दिलजीत दोसांझ और नीरज श्रीधर को एक साथ लाना कुछ ऐसा है जो इंडियन सिनेमा में पहले कभी नहीं किया गया। वही प्रीतम और तनिष्क बागची ने इसकी बीट्स तैयार की है। आपको बताते, भूल भुलैया 3 का डायरेक्शन किया है अनीश बजमी ने, और ये भूल भुलैया की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने की ओर ले जा रहा है। देखना होगा कि ये फिल्म 1 नवंबर को जब रिलीज होगी तो क्या अपनी पिछली फ्रेंचाइजीज की तरह धमाल मचा पाएगी।